हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जनजा ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के टाइटल से आपको मालूम चल ही है कि आज का ब्लॉग किस बारे में होने वाला है, तो भी मैं शॉर्टली कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। आज थिएटर क्लब के द्वारा क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक रामायण प्ले ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि सैमजी ऑडिटोरियम में 11 बजे से होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग रामायण प्ले देखने। जल्दी से रेडी हो लेते हैं, फिर चलते हैं रामायण प्ले देखने। तब तक के लिए बाय बाय। Oh, God.
तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं भगवान
दीव के राजा और राजकुमार सिंह, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ना ही केवल मानव बल्कि मानव का रूप धारण करके देव और दानव भी आए हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को शूरवीर परम पराक्रमी कहने वाले लोगों की सभा में क्या एक भी सच्चा वीर नहीं। मैंने केवल बल और प्राण का शुल्क रखा था, परंतु इस सभा में उस शुल्क को कोई न चुका सका। अगर मुझे और इस शीर्ष धनुष को उठाकर उस पर चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला तक न सका। अगर मुझे ये पता होता तो ऐसा प्रण लेकर मैं अपनी जगत सही तो न कराता। उठो राम, राज जनक को चिंता मुक्त करो। Thank you.
का आपका आशीर्वाद चाहती है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए एक मीठे स्वागत वैद पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी शिव धनुष टूटने की गोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने यहाँ आए किसने किया है, बोल जनक आखिर किसकी मृत्यु हमें यहाँ तक खींच लाई। अरे जनक बोल, अन्यथा जहां तक तेरे राज्य की सीमा है वहां तक की धरती हम अलट पलट कर देंगे, तेरा सारा का सारा राज्य नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। बोल भगवान शिव के धन से करोगे ऐसा साहस तो कोई आपको दास कर सकता दास का है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर केवल दंड देना चाहिए। जिस किसी ने भी जघन्य अपराध किया है वो सहस्त्र बहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र एवं यहाँ उपस्थित सभी राजागण और इस पूरी सभा को मैं सावधान करता हूँ। जिसने भी ये किया है वह स्वयं इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित हर एक को मैं मृत्यु दंड। एक धनुष टूट गया तो उसमें दिखना करने के बाद उस समय तो किसी ने किया। अरे राजा के छोकरे, मुझे महादेव के धनुष और बच्चों की धनुष में अंतर नहीं नजर आता क्या? ब्राह्मण देवता, आप धनुष और धनुष में फर्क देखते होंगे, परंतु हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को विजय की भी सीमा होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से ये टूटे हुए जी धनुष से आपको काफी ज्यादा मोह दिखाई देता है। लगता है तू अपनी माता को विभूति बनाना चाहता है। तुझे बालक समझकर मैंने जीवित छोड़ रखा था। ब्राह्मण देवता, मैंने भी आपको अभी तक इसलिए जीवित छोड़ रखा था क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों की सेवा की जाती है। निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेदवादी ब्राह्मण समझने की भूल की है। मैं अति क्रोधी बाल ब्रह्मचारी वो परशुराम हूँ। मैंने इसी पर्दे से न जाने कितनी बार इसी पर्दे से मैंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटा है। इसी पर्दे से मैंने न जाने कितने क्षत्रियों का लहू पिया है और आज हमारे लहू में इसी पर्दे का प्यार बुझाई है। ब्राह्मण देवता, आप बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक पर्वत को ऊपर फूंक मार के उसे उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। हमारे बल और पराक्रम की शक्ति बताओ। आप अपनी गुणगाथा इतनी अच्छी से बता लेते हैं कि किसी और की जरूरत ही नहीं। बालक की सुरक्षा चाहते हो, हमारी नजरों से दूर ले जाओ। आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं देख। मेरी मृत्यु मेरे हाथों आज ही होगी लगता है। ब्राह्मण देवता, आप अपनी खून गाथा में बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते हैं, सुनाइए सुनाइए किस तरह से आपने निर्दोष क्षत्रियों को किस तरह से क्षत्रिय विलीन कर दिया, किस तरह से आपने देना। ये बालक निश्चय मरणहार है। मेरी कुठार के सामने आकर भी अब तक ये जीवित कैसे रह गया? ब्राह्मण देवता, आश्चर्य मुझे भी है कि मेरे सामने कोई देवतुल्य भैया को कोई कुछ कहे और मैं शांत।
बालक की बातों पर ध्यान रखिए, आपका ख्याल ही तो वैभव है, इसीलिए धनुष मारा है। अब आप अपना दास समझ के उस पर कृपा कीजिए, उस पर क्रोध कीजिए या मेरे प्राण ले लीजिए। जिस भी उपाय से आपका क्रोध शांत होता हो आप वही कीजिए। वो भी कुछ कम द्रोत नहीं, एक तो शेर धनुष तोड़ दिया, ऊपर से हमें ही ज्ञान दे रहा है। एक तरफ तेरा ये भाई तेरी सहमति से हमारा अपमान कर रहा है और दूसरी ओर तू हाथ जोड़कर हमसे विनय कर रहा है। ये क्षण त्याग दे और हमसे युद्ध कर, अन्यथा भाई सहित तुझे भी हम जीवित मृत्यु दंड देंगे। तो आपके सेवक हैं स्वामी, और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? तो नाम भी इतना छोटा सा राम, और आपका परशु समय परशु राम। हम रघुवंशी हैं प्रभु, यदि हमें कोई युद्ध के लिए ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते, भले ही सामने काल क्यों न खड़ा हो। परंतु आप एक ब्राह्मण, प्रद्युत ब्राह्मण हमारे लिए सदा ही पूछनीय है, आपसे हारने में ही हमारी जीत है। इंद्र वंश की ऐसी प्रभुताई अभी जे कोई नहीं डराई। भगवान विष्णु का धनुष है, यदि तुम इस पर बाण चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा, मेरा सारा संदेह मिट जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल जमजा ब्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।